इतना बुरा हाल हो रखा है। इसकी दूसरी बार मैं सफाई कर रहा हूँ, ये देखिए आप, 2 इंच करीब, 3 इंच करीब डाल देना इसको उठा के। ये आप देख रहे हैं बच्चे हो गए 1.5 महीने के तकरीबन, और आधा किलो तकरीबन वेट हो गया इसका। और इसकी दूसरी बार मैं सफाई कर रहा हूँ, ये देखिए आप, क्या इसका कब कब सफाई करनी चाहिए इससे, और क्या लापरवाही करने से क्या नतीजा मिलेगा आपको, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये देखिए दूसरा भी आपको पिंजरा दिखाता हूँ मैं, ये देखिए कितनी नमी आ चुकी है इसमें, ये देखिए इसके नीचे नमी आ गई है, और कुछ बरसात भी हुई थी अभी सीज़न की ठंड की लास्ट। ये देखिए दोस्तों कितना बुरा हाल हो रखा है, मक्खियाँ भी भिन आ रही हैं। तो इसको हम साफ़ करेंगे दोस्तों, और जो भी मेरे किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं उनको भी ये बात का ध्यान रखना है कि जब जब बारिश होए बरसात के बाद ज़रूर सफाई करनी है, और बरसात नहीं है तो हमको तकरीबन 20 दिन बाद या 15 दिन बाद सफाई करती रहनी है। अगर नहीं करोगे दोस्तों तो आपको क्रोइज़र जैसी CRD जैसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा, और पेट में इन्फेक्शन, मुर्गी बीमार, और भी तरह के बीमारी आपके फार्म में आएगी। ये दोस्तों 10 से 15 मिनट लगते हैं सफाई करने में, अपने किसी भी पिंजरे का दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और मुर्गियां बीमार होगी, और जिसमें आपको दवाई के खर्चे फालतू में लगेंगे, और जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों आज हम इसको सफाई करेंगे और दिखाऊंगा, वीडियो में एंड तक बनी रहिए ताकि आपको डिटेल में और जानकारी मिल सके। दोस्तों इन सभी बच्चों को हटा लेना है, मैं हटा लूँगा अभी, और उसके बाद दूसरे क्रेट वगैरह में या बॉक्स में डाल दूँगा। ये सामने बॉक्स है, इस वाले बॉक्स में डाल दूँगा मैं, मुर्गी अंडे देती हैं खाली पड़ा ही, तो इसमें डाल दूँगा मैं ये सभी बच्चे निकाल के एक एक। तो चलिए चलते हैं। मैंने कुछ इस मुर्गियों में देखा था कि नाक से पानी दिख रहा था मेरे को, जो कि अच्छा संकेत नहीं है, बीमार होने का और CRD आने का संकेत है ये। तो दोस्तों ये नमी को हम हटाएंगे, अगर ये इसमें से नमी ना होती तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता कुछ दिन और, लेकिन इसमें नमी होने के कारण मैं इसे हटा रहा हूँ, जिससे कि अंदर उमस भी बन जाती है और बीमारी आने का खतरा बन जाता है। दोस्तों ये नीचे स्लाइडर लगा रखा है मैंने, आपको इस पर वीडियो भी डाली थी मैंने, ये स्लाइडर है देखिए, इसको धक्का दे दूंगा मैं उस तरफ, ये उस तरफ चला गया, और मैं अंदर से लकड़ी निकाल लूँगा यहाँ से, देखिए ये लकड़ी मैं निकाल लूँगा, और जो ये मैं निकाल लिया इसका लॉक था, ये देखिए इधर से मैं ये खींचूँगा, ये तिरपाल लगे और उसके साथ ही सारा गंद बाहर आ जाएगा, कुछ रह जाएगा दोस्तों उसको भी हम निकाल लेंगे झाड़ू से सफाई करके। इससे काम आसान हो जाता है दोस्तों। दोस्तों थोड़े से बच्चे रह गए, देखिए डरे हुए हैं, और हमने इनको निकालते वक्त बिल्कुल प्यार से निकालना है, इनको डराना नहीं है किसी डंडे डुंडे के सहारे से नहीं निकालना, तो मैं भी अंदर जाऊंगा इसको प्यार से सभी को निकाल दूँगा, तो बच्चा डिप्रेशन में चल जाएगा और बीमार हो सकता है, तो इस तरह हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों ये देखिए किनारे किनारे में से बारिश का पानी आया था और जो गीला हुआ है ये बच्चों का पिंजरा, तो इसको तकरीबन साफ़ कर दिया मैंने, और अब मैं नीचे वाला ये है जो जितना गंद निकला हुआ है इसको भी मैं साफ़ करके आके फेंक दूंगा थोड़ी फार्म से दूर खड्डे में। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, हमने अगर बड़ी मुर्गी का भी उसी दिन साफ़ करना है तो पहले बच्चों वाले को साफ़ करेंगे उसके बाद बड़ी मुर्गी का साफ़ करेंगे, तो ये इसलिए करना है हमको ताकि बड़ी मुर्गियों की बीमारी इनमें ना आए या कोई वायरस वगैरह है तो इन तक ना पहुँचे। तो ये देखिए आपके सामने है, साफ़ कर दिया मैंने, अब ये वाइट वाली जो शीट है प्लास्टिक की मैं वापस इस रास्ते को छेड़ दूंगा नीचे से, ये आप देख रहे हैं इधर से वापस डाल दूंगा, और जो ये लकड़ है इसको दोबारा उधर लगा दूंगा, और इसको करने के बाद ये मेरे पास भूसा पड़ा है ये देखिए सूखा है, ये लाया था मैं कुछ तकरीबन 70 रुपये का था ये एक कट्टा, तो पिछली बार मैंने इतना यूज़ किया था, और ये मेरे ख्याल से 2-3 बारी और हो जाएगा, और बड़े वाले में मैं डालता नहीं हूँ ये, बड़े दिन में घूमते इसलिए, तो इसका भी नंबर है, इसको साफ़ करूँगा उसके बाद। 2 इंच करीब, 3 इंच करीब डाल देना इसको बिछा के अच्छे से सारी जगह,
ये दोस्तों सारी जगह मैंने बिछा दिया ये, और ये मैंने पत्थर एक पानी के लिए रखा हुआ है ऊँचा करके, और एक ये फीडर के लिए, तो इसमें बच्चे डाल दूंगा धीरे धीरे एक करके। देखिए दोस्तों सारे बच्चे अंदर डाल दिए, कितनी मस्ती से अंदर घूम रहे हैं। और इसको फ्री रेंज की भी वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी, कब से करना है इनको फ्री रेंज। ये देखिए ये वाला साफ हो गया दोस्तों। अब मैंने फीड इसको घंटे बाद और पानी घंटे बाद रख दूंगा इसमें, और अब मैं इस वाले को साफ करूंगा। इसमें भी मैंने स्लाइडर लगाया और देखिए आप कितना गंदा हो रखा है। ये भी स्लाइडर लगा रखा है मैंने, इसमें हार्ड वाला है ये, मैं इस लकड़ों को निकाल लूँगा और नीचे से यहाँ से जगह है यहाँ से खींच लूँगा इसे। तो चलिए चलते हैं। ये दोस्तों दूसरे वाला पिंजरा साफ कर दिया, देखिए इसमें हल्की सी झाड़ू मार के ये सारा गंदा निकला इसका, और इसको दोबारा अंदर लगा दूँगा नीचे से इसको भी साफ़ करके। तो इस तरह हमने अपने फार्म की सफाई रखनी है। जो हमारे पास एक दो मुर्गी पाल रहे हैं चाहे एक दो का पिंजरा है, उसको ज़रूर हमने सफाई करनी है ताकि बीमारी से बची रही हमारी जो पीस है बच्चे हैं मुर्गियों के, ये देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी आपको, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ऐसे नए नए कंटेंट आपके लिए मुर्गी पालन से रिलेटेड जानकारियाँ ले आता रहूँ। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।